स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ का बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर है सेट थ्री कोड है सिक्सटी सिक्स फाइव थ्री तो जिन बच्चों का ये सेट आया है वो हम डिस्कस कर रहे हैं एंड सेट वन को भी इसके बाद डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में तो बने रहिए तो सेट थ्री के सोल्यूशन देख लेते हैं इसके सेक्शन ए के ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा गया तो सेट थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए कंपनी का तो देखो कॉस्ट ऑफ डेप्थ तो है कैश फ्लो पोजिशन भी है इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी होता है फैक्टर है ना जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है जो कि फैक्टर नहीं है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो किस किसने इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन लिखा कमेंट करके बताइएगा तो इसका आंसर बी ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा ग्रोथ ऑपॉर्चुनिटीज ठीक है सेट थ्री में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पर्सनल सेलिंग पर्सनल सेलिंग के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है इनकरेक्ट पूछिए आपको तो ए ऑप्शन था इट इज़ अ डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग दैट इन्वॉल्वस एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर एंड बायर तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव डिजाइन टू इनक्रेज द बायर्स टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव की बात करता है नहीं ये ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि ये कैसा है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव को इनक्रेज करता है तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच गुड्स पास फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द रिटेलर एंड इन टर्न सेल दम टू द फाइनल यूजर यानी कि वो चैनल जिसमें मैन्युफैक्चर से रिटेलर को जाता है रिटेलर से बाद में फाइनल यूजर्स को जाता है तो ये ए ऑप्शन है इसका आंसर वन लेवल चैनल ठीक है किस किसने ये आंसर लिखा कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर वन लेवल चैनल क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं अ नेम टर्म साइन सिंबल डिज़ाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दैम यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट गुड और सर्विसेज ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर एंड टू डिफ्रेंशिएट दम फ्रॉम दोज ऑफ द कंपिटेटर इज नोन एज इसको हम क्या कहते हैं जब भी नेम टर्म साइन सिंबल डिजाइन ये सब यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में इसको हम ब्रांड कहते हैं ए ऑप्शन इसका आंसर होगा ब्रांड क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट कौन सी इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो यहाँ पे आ, ए स्टेटमेंट कहती है कि कैपिटल मार्केट रेफर टू फैसिलिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड बॉड डेट एंड इक्विटी आर रेज एंड इन्वेस्टेड ये तो करेक्ट है ठीक है बी ऑप्शन देखते हैं सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटी सोल्ड होती है बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली और थ्रू एन इंटरमीडिएटरी तो डायरेक्टली तो इन्वेस्टर में सेकेंडरी मार्केट में तो नहीं आती है तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है बी ऑप्शन में तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या होगा का बी ऑप्शन ठीक है बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बाकी सब करेक्ट है ए सी डी बी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं द मोस्ट कॉमनली यूज टूल ऑफ प्रमोशन विच इज पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन विच द स्पॉन्सर बी आज द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द प्रोस्पेक्ट इज तो यहाँ पे आपको पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ टूल है प्रमोशन करने के लिए जो फॉर्म में होता है कम्युनिकेशन एंड इन विच स्पॉन्सर बियर करता है कॉस्ट ऑफ़ कम्युनिकेटिंग तो ये तो सबको पता होगा ना इसका आंसर एडवरटाइजिंग है ए ऑप्शन इसका करेक्ट है सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या था ए ऑप्शन एडवर्टाइजिंग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन डैश रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट तो यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या आना था क्वेश्चन नंबर सेवन में कैपिटल स्ट्रक्चर अर्निंग पर शेयर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या है सी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किस किसने ये आंसर लिखा कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर एट मैचिंग था तो मैचिंग में आपको आ, इसके जो ऑप्शन थे उसमें ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन बोला है तो आपको यानी सबकी मैचिंग करनी थी तो नेचर ऑफ बिजनेस देखो किससे मैच करना था नेचर ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड लोअर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कम Yes, ये सी हो सकता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में आपका आएगा मोबाइल फ़ोन ऑफ सलेट फास्ट तो बी का तो से फोर्थ है डाइवर्सिफिकेशन में ये आएगा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टॉलिंग है सीमेंट तो सी का सेकेंड है एंड डी चॉइस ऑफ टेक्निक कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन ये वाला तो डी का थर्ड होना चाहिए सी का सेकेंड होना चाहिए बी का फोर्थ तो ए का वन होना चाहिए तो ए का वन वाला कौन सा ऑप्शन है ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है तो किस किसने ए ऑप्शन पे लगाया ये भी कमेंट करके बताना तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर क्या होगा ए ऑप्शन एट का आंसर है आपका ए ऑप्शन ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्शन डिसीजन के बाद कौन सा स्टेप आता है तो ये तो आपने सिलेक्शन प्रोसेस अगर पढ़ा होगा इसका स्टेप तो इसका आंसर है बी मेडिकल एग्जामिनेशन तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर क्या है बी मेडिकल एग्जामिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं आइडेंटिफाई करना था एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पिक्चर के थ्रू आपको रिक्रूटमेंट का कौन सा सोर्स है ये बताना था तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि कार्ड जो ये सिक्योरिटी कार्ड तो ये यह डायरेक्ट यहीं पे लगा हुआ है ना एडवर्टाइजमेंट तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ए ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर टेन का तो किस किस ने क्वेश्चन नंबर टेन पे ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं द ऑब्लिगेशन ऑफ सब टू प्रॉपरली परफॉर्म द साइन ड्यूटी इज कॉल्ड तो जब ऑब्लिगेशन होता है परफॉर्म करने का साइन ड्यूटी तो उस ऑब्लिगेशन को हम क्या कहते हैं ऑब्लिगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इलेवेंथ का आंसर क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ देखते हैं डिजी लॉकर इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट एम्स डिजिटल एम्पावरमेंट करना सिटीजन्स में बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स सच एज एकेडमिक सर्टिफिकेट इशूड बाई डिफरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल रजिस्ट्रेशन एस्ट्राइन और डिजिटल फॉर्मेट तो डिजी लॉकर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें आई टी को टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा गया है तो यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी है और टेक्नोलॉजी भी है तो इट मीस कौन सा ऑप्शन होना चाहिए डी ऑप्शन होना चाहिए गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिकल एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का पॉलिटिकल एन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एन्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर थर्टीन देख लेते हैं। वेदर द डिसीजन हैव been ट्रांसलेटेड इन टू actions एक्शन और नॉट कैन वी by कन्फर्म which परफॉर्मिंग विच following द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन ट्रांसलेट होगा इन डिजायर्ड एक्शन और नॉट इसको किस में लाते हैं इस में हम इसमें हम डी कंट्रोलिंग करते हैं इसके थ्रू है ना कंट्रोलिंग थर्टीन का डी ऑप्शन है थर्टीन का आंसर क्या होगा कंट्रोलिंग डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखेंगे द एक्टिविटीज़ हुज आउटकम नॉट ओनली इम्प्रूव द जॉब परफॉर्मेंस बट आल्सो हेल्प इंडिविजुअल इन प्रोग्रेस टूअर्ड्स मेच्योरिटी एंड एक्लाइजेशन एक्चुअलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल कैपेसिटीज इज नोन एज तो वो एक्टिविटी जिससे आउटकम ही ना मिले बल्कि जॉब परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो और इंडिविजुअल को हेल्प मिले प्रोग्रेस करने में ठीक है तो इसमें कौन सी एक्टिविटी है जिससे हमें सिर्फ आउटकम ही नहीं मिलता बाकी हेल्प भी मिलती है तो ये है डेवलपमेंट सी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का सी आंसर होगा डेवलपमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द पर्पज ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स अफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द स्टेटमेंट हाईलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्लानिंग तो जो प्लानिंग का पर्पज़ है फ्यूचर इवेंट्स को मीट करना इफेक्टिवली बेस्ट एडवांटेज लेना ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये कौन सा हाईलाइट करता है प्लानिंग की कौन सी फीचर को हाईलाइट करता है तो ये है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक ठीक है तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कार्टूनी प्लेनेट एक वेल नॉन इंडोर प्ले ग्राउंड है ऑर्गेनाइजेशन पार्टी ऑर्गेनाइजिंग पार्टी करने के लिए बच्चों का नोएडा में तो यहाँ पे बहुत सारे प्ले स्टेशन है ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटी है किड्स के लिए एंजॉय करने के लिए तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन को देखते हुए एक न्यू इंडोर प्लेग्राउंड नेम ऑफ टीनी टॉट्स के नाम से आया जिसमें एडवांस विंग थे प्ले स्टेशन थे एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ थी है ना इसी के पास कार्टुनिक प्लानट के आसपास ही ये लगाया गया तो कम्पीट करने के लिए न्यूली ओपन इंडोर प्ले ग्राउंड कार्टूनिक प्लानट ने कुछ एडवांस विंग और एंटरटेनमेंट एक्टिविटी को अट्रैक्ट कर बच्चों को करने के लिए अट्रैक्ट करने, करने के लिए ये लगाए तो इस इन्फॉर्मेशन से हमें किस फीचर के बारे में पता चलता है बिज़नेस एन्वायरमेंट के कौन से फीचर के बारे में पता चलता है तो यहाँ पे देखो न, न, बहुत सारी चीजें लगा दी ना उन्होंने तो डायनेमिक नेचर का पता चलता है बी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन डॉलमा एंड ऊनार गार्डनर्स विद द ऑफ हैंड ऑन एक्सपीरियंस वर द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ इंडोर गार्डन स्पेशली फॉर प्लांट फ्लावर लिविंग इन अपार्टमेंट तो वो वो पहले लोग थे जिन्होंने इंडोर गार्डन की नीड को रिकॉग्नाइज किया अपार्टमेंट्स में जो प्लांट लवर होते हैं दे टूक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड डिसाइडेड टू ऑफर ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग आइडिया फॉर इंडोर गार्डनिंग थ्रू दे इनोवेटिव वेंचर माई स्पेस उनका एक वेंचर था माई स्पेस उसके थ्रू उन्होंने डिसाइड किया कि वो नए नए डिजाइनिंग आइडिया लाएंगे गार्डनिंग करने के लिए और तो उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में एडवांटेज लिया इसका तो माई स्पेस ऑफर करता है क्रिएटिव आइडिया लाइक गार्डन बॉल हैंगिंग गार्डन विंडो गार्डन बुक शेल्फ गार्डन मनी मोर सिंस देयर वर नो कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर दिस सून बिकेम द मार्केट लीडर तो कॉम्पिटिशन स्टार्टिंग में कॉम्पिटिटर नहीं थे तो वो मार्केट लीडर बन गए तो इससे किस फीचर का पता चलता है आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के तो जब इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया ना तो यानी कि फर्स्ट वन जो होगा फर्स्ट मूवर होगा उसको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिला अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना सी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन का ठीक है जो पहले आएगा उसको पहले ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ना सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एटीन देख लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट गोल्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जीपू एक अपकमिंग रिटेल चेन है जो कि आप प्रोवाइड करती है कंज्यूमर को डू टू डू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज सेल्स इसका और मेन uh, मोटिव क्या है सेल को इंक्रीज करना ऐली एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अंडर प्रिवेस्ट चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी मैनेजमेंट ऑफ़ ईच ऑफ़ दिस ऑर्गनाइजेशन दफर्ट ऑफ देआर एम्प्लॉड टूवर्ड अचीविंग ऑर्गनाइजेशन गोल तो इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अचीव uh, करना चाहते हैं गोल्स को तो अलग -लग, अलग ऑर्गनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं तो जैसे जीपू का अलग गोल है एल ई का अलग गोल है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि मैनेजमेंट क्या होता है गोल ऑरिएड ए ऑप्शन इसका करेक्ट है तो एटीनथ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन मैनेजमेंट इस गोल ऑरिएड और सेवनटीन का सी ऑप्शन था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देख लेते हैं स्टेटमेंट वन है द कन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रिलेट टू नॉट ओनली द फिजिकल प्रोडक्ट बट ऑल्सो द बेनिफिट ऑफर्ड बाई इट फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि वो ना केवल फिजिकल प्रोडक्ट ही प्रोवाइड कर रहा है बल्कि बेनिफिट भी दे रहा है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यस ये ट्रू है स्टेटमेंट वन कि प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट तो दे ही रहा है साथ ही साथ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बेनिफिट भी ऑफर करता है ट्रू है ये स्टेटमेंट सेकंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट बाय वे ऑफ देयर आफ्टर सेल सर्विस अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट हैंडलिंग कंप्लेंट्स तो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ये ऑफर चीज़ें नहीं करता है जबकि ये करता है ना स्पेयर पार्ट्स को अवेलेबल कराता है हैंडलिंग कंप्लेंट लेता है तो ये तो सब आता है ना इसके अंदर इंक्लूड होता है प्रोडक्ट के अंदर तो उनका नहीं इंक्लूड होता तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू है बट सेकेंड वाली फॉल्स है इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है बट सेकेंड वाली इनकरेक्ट है आंसर क्या है सी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखेंगे हिमांशु वर्किंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर में काम करता है सुविदित एयर कंडीशनर जो एक बहुत अच्छा ब्रांड है एयर कंडीशनर की फील्ड में आ, टिल लास्ट मंथ द कंपनी वॉज एबल टू अचीव इट सेल टारगेट लास्ट मंथ तक कंपनी को अपने सेल टारगेट को अचीव करना होता है बट दिस मंथ हिमांशु ने ऑब्जर्व किया टारगेट जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कंडीशनर जो है उसके कम बिछ बिक रहे डिक्रीज हो रहे उसकी सेल उसने एनालाइज किया सिचुएशन पर फाउंड न्यू सेल्स मैन अपॉइंटेड लास्ट मंथ वाज नॉट गुड उसने पाया कि जो नए सेल्स मैन है वो अच्छे नहीं है एंड फॉर दिस टू नेसेसरी एक्शन उसके लिए नेसेसरी एक्शन लेना जरूरी था तो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो हिमांशु को डिक्रीज इन सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा था तो ये कौन सा था जिससे उसे पता चला कि सेल डिक्रीज होने का मेन कारण है कि जो लोग है वो एम्प्लॉ है सेल्स है वो अच्छे नहीं है तो इससे किससे पता चला कंट्रोलिंग वाले से डी ऑप्शन इसका करेक्ट है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर कंट्रोलिंग ये बताइएगा किस किसने लिखा तो कमेंट करके बताइएगा कि कितने अभी तक आपके ये क्वेश्चन सही है तो ये सेट थ्री का आपका सेक्शन ए के क्वेश्चन आंसर्स थे अब हम इसके सेट वन को करते हैं तो देखिए सेट वन भी आपका सिक्सटी सिक्स फाइव वन इसका कोड है कुछ क्वेश्चन तो मिलते जुलते ही है आ, मैं उसके आंसर्स आपको बता रही हूँ ठीक है सेक्शन ए के तो देखेंगे सेट वन सिक्सटी सिक्स फाइव वन इसका कोड है तो इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन तो ये सिलेक्शन डिसीजन के बाद कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस आता है ये है बी मेडिकल एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर टू परपज ऑफ प्लानिंग टू मीट फ्यूचर इवेंट इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज तो इसका फ्यूचर इवेंट को मीट करना ही प्लानिंग का पर्पज़ है तो इसका आंसर प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक डी ऑप्शन इसका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पिक्चर वाला आया था तो यहाँ पे आपका uh, पूछा था कि ये जो रिक्रूटमेंट का कौन सा सोर्स है तो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ए ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं कार्टून प्लेनेट वेल नोन इंडोर डोर प्ले ग्राउंड ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज फॉर चिल्ड्रेन इन नोएडा तो ये भी हमने डिस्कस किया था तो इसके थ्रू ये कौन से फीचर का पता चलता है बिजनेस एन्वायरमेंट के तो इसमें आपको डायनेमिक नेचर का पता चलता है बी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फोर का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव अपलिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रो प्रॉपरली परफॉर्म द साइन ड्यूटी कॉल ऑब्लीगेशन को क्या कहते हैं रिस्पॉसिबिलिटी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव का क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन देख लेते हैं डॉलमाइन ऊना गार्डनर है डिकेटर्स ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो उन्होंने रिकग्नाइज़ किया इंडोर गार्डन को सबसे पहले तो सबसे पहले जो आएगा उसी को सबसे पहले एडवांटेज मिलेगा ना तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है बिजनेस एंड वाइट इनेबल टू फॉर्म ट्वेंटी फाइव अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन सेट वन का क्वेश्चन नंबर टू का डी ऑप्शन प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक थर्ड का ए है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फोर्थ का बी है डायनेमिक नेचर फिफ्थ का आंसर बी है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिक्स का सी ऑप्शन था सेवेंथ का भी डी ऑप्शन है तो देखो सेवंथ हम डिस्कस कर रहे हैं डिजी लॉकर फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है तो गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूड है और आईटी सेक्टर भी इसमें इंक्लूड है इट मीनस ये डी ऑप्शन है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट डी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर एट एट में आपको पूछा था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्ड गोल है जीपू का अलग गोल है कि वो कंज्यूमर गुड को डोर टू डोर सर्विस देता है है ना रिटेल सर्विस एंड ऐसे एली का अलग है कि एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है तो इसका आंसर है ए ऑप्शन मैनेजमेंट इज स्कूल ऑरिएटेड क्वेश्चन नंबर एट का आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर वेदर द डिसीजन हैव बीन ट्रांसलेटेड इन टू डिज़ायर्ड एक्शन और नॉट तो ये कन्फर्म्ड होगा किस कौन से फंक्शन के थ्रू मैनेजमेंट की कंट्रोलिंग डी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर टेन ईवानशु वर्किंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर इन सुविधित एयर कंडीशनर वो एक बहुत अच्छा ब्रांड नेम है एयर कंडीशनर की फील्ड में लेकु लेकिन उसकी सेल डिक्रीज हो रही है तो किससे उसे पता चला कि सेल डिक्रीज हो रही है तो डी कंट्रोलिंग इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर इलेवन दट एक्टिविटीज़ हुज आउटकम नॉट ओनली इंप्रूव द जॉब परफॉर्मेंस आल्सो हेल्प इंडिविजुअल इन द प्रोगेस टू वर्ड मेच्योरिटी एंड एक्लाइजेशन ऑफ दियर पोटेंशियल कपैसिटी इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट सी ऑप्शन इसका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व स्टेटमेंट वन है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रिलेट टू नॉट ओनली द फिजिकल प्रोडक्ट बट ऑल्सो बेनिफिट ऑफर बाय इट फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट टू आपकी बोलती है प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं है आफ्टर सेल सर्विस अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट हैंडलिंग कंप्लेट तो ये तो इंक्लूड होती है ना तो ये इनकरेक्ट है यानी फर्स्ट करेक्ट है बट सेकेंड इनकरेक्ट है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का तो नाइन्थ का आंसर भी कंट्रोलिंग है एंड टेंथ का भी कंट्रोलिंग है सी का डेवलपमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड वाली इनकरेक्ट है इसलिए सी ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आते हैं तो इसमें मैचिंग करनी थी तो नेचर ऑफ बिजनेस फर्स्ट से मैच होना था सेकेंड वाला टेक्नोलॉजी वाला फोर्थ से मैच होना था डाइवर्सिफिकेशन सेकेंड से एंड चॉइस ऑफ टेक्निक्स थर्ड से तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट था मैचिंग वाले में ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ये देखिए इसमें आपको इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में बात की थी तो यहाँ पे आपका आएगा आ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है ठीक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इसके हिंदी मीडियम ये मैंने इसके हिंदी मीडियम का पेज है इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन uh, पेपर में से अपने आंसर चेक कर लेना बाकी सेट थ्री में ये क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए गए थे तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपका पूछा था कि प्रमोशन वाला जो क्वेश्चन था उसमें सबसे अच्छा कि कौन सा तरीका है प्रमोशन करने का तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग आना था फिफ्टीन क्वेश्चन का आंसर ए होगा एडवर्टाइजिंग ठीक है एंड सिक्सटीन का आंसर इन करेक्ट स्टेटमेंट पूछनी थी सेकेंड वाली इनकरेक्ट है जो सेकेंडरी मार्केट है वो डायरेक्ट इन्वेस्टर से डील नहीं करती है तो ये बी ऑप्शन इनकरेक्ट है इसका क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर क्या होगा बी ऑप्शन वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेवेंटीन आपको नेम साइन सिंबल डिज़ाइन वगैरह ये सब किस से रिलेटेड है ब्रांड ए ऑप्शन है इसका ब्रांड एटीन का आंसर जिसमें गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के पास से रिटेलर के पास जाते हैं और लास्ट में फाइनल के पास सेल हो जाते हैं तो इसको हम एक स्तरीय माध्यम या कहते हैं वन लेवल चैनल ठीक है ब्रांड ए सेवेंटीन का और एटीन का ब्रांड लेवल चैनल है नाइनटीन क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकर यहाँ पे आपको पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो पूछी गई थी तो यहाँ पे ये वाली तो करेक्ट है बट बी वाली इनकरेक्ट है इट रेफर टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव शॉर्ट टर्म इंसेंटिव को रेफर नहीं करती पर्सनल सेलिंग है ना तो बी ऑप्शन आपका इसका इनकरेक्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का ट्वेंटी में आपको पूछा था कौन सा फैक्टर नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपनी के तो ये तो है फैक्टर कैश फ्लो भी है इंटरेस्ट कवरेज शो भी है ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का फैक्टर नहीं है इसका कैपिटल स्ट्रक्चर का तो ट्वेंटी का आंसर बी ऑप्शन है नाइनटीन तो का भी बी है ट्वेंटी का भी बी है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ठीक है तो कमेंट करके बताएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया कितनी सही है आपके एंड इसके बाकी के पार्ट्स के लिए और अदर सेट्स के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए जल्दी उसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी एंड वीडियो uh, को शेयर ज़रूर करना चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना